इस गमले में घास हो रही है, झाड़ू लगे तो कूड़ा वहां छोड़ रखा, इन्हें कोई काम दिखाई नहीं देता। बल्लू कहां मर गया यो? क्या हाल है तेरे? इस कुत्ते की गैल खुद कुत्ता बना डाला, तुझे काम नहीं देख रहा कुछ? क्या तो काम कर ले ढंग में, अली तुझे भगा दूंगी यहां से। जन्म दुखी कर रखा कम मखत मारे ने। ताई राम राम। किस मनोज का मुंह दिखा दिया सवेर सवेरे? ताई तेरे मुझे देखती तो तेरे उड़ जा, मैं तो तेरा अपना हूँ। ठीक है तू काम बता, क्या काम है? काम को तो ताई तुझे पता ही है, मैं तेरे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ, मगर तू हमेशा ना कहकर मुझे निराश कर देती है। अरे तू सो बेरे भी क्या होगा ना, जब भी ना आया। ताई मेरा बाप मर गया, मगर तेरे सारे करतूत मुझे बता के गया, मुझे पता तू कैसे नौकरानी से महारानी बनी, मालकिन सेठानी जी। या तो सीधे सीधे मान जा, मैं चाहता हूँ कि मेरी उंगली टेढ़ी ना हो, अगर टेढ़ी होगी ना तो तुझे पता है। तू जिन पैरों से आया ना उन्हीं पैरों से गेट से बाहर हो ले, यू बता रही हूँ, टल जा मेरी आंखों के आगे से। ताई तू समझती क्यों नहीं, मैं अंजू से कितना प्यार करूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, वो तेरी बेटी होगी, मगर मेरे तो जिगर का टुकड़ा है। अरे जा जा, तेरे जैसे जन कितने देखे मैं, ना ढोंगी जा, चला जा मेरी नजरों के आगे से। ये है दामाद की इज्जत। अरे दामाद को तो घर में बैठ के चाय पानी के लिए पूछना चाहिए, और हमें डांट रही है। ठीक आएंगे दोबारा। जा जा टल जा, तेरे जैसे इनको बनाऊंगी दामाद। चले हमें मुंह उठा के। ओ पंडित रुकिए जरा। हाँ भैया बता क्या बात? कहाँ जा रहा है इस कुतियासी को लेकर? तू मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। राम जी झूठ ना बुलाओ, उसमें तो तेल डालना पड़ेगा ना। तू मेरा काम तो करा, तेल भी मैं गिरवा कर दूंगा। मीटर चलाने भी नहीं आती ना। अरे थम जा यार, कहाँ भाग रहा है, मेरी बात तो सुन जा। अरे भैया मुझे जाना है, मुझे सेठानी जी के यहाँ जाना है, मुझे बहुत जरूरी बुलवाया उन्होंने। अरे कहीं ना जाएगा, तू उसे उम्र घटाने की दवाई दे रहा है, मुझे पता किस काम को बुलाया होगा। दवाई तो मैं देता भी ना हूँ। दवाई तो उससे कोई ले भी ना। तू सेठानी से जाकर बोलना जमाई राजा मिला था और पूछ रहा था घर वाली को लेना कद आवा। जमाई राजा तोरसे वाली? अरे वही मंजू। अति उत्तम अति उत्तम, राम जी झूठ ना बुलवा, एकदम अफसरा है अफसरा। मारूंगा साले के कान पर खींच का अफसरा बता रहा, जितना बताया उतना काम कर दिए। ठीक है बताओ, पंडित भी अफसरा बता रहा। क्या हो गया, कैसे बैठ गई? ताई जी तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो रही है तेरी? ढाई सेर पक्का खा के उठा है, हर वक्त तेरा बकरी कैसा मुंह चलता रहा है? जब तबीयत खराब ना होती तेरी, हो जा खड़ी ऊपर को, अन्य गोटा ऐसे मारू मैं अंदर भी पड़ेगी। अरे चमना उठ भैया से सामान से आयो। सिमल जना था देर में ढाई सेर सामान, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की हुई रहे मेरी छाती पे। ओए छोरे उरे सुनिए एक बार। हाँ जी। यह इस छोरी को धमकारी दिया कौन है? या सेठानी जी मारे काम की। सेठानी? हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगा राम सिंह की नौकरानी थी वाह। हाँ जी नौकरानी थी या राम सिंह ने कर लिया था ब्याह, और राम सिंह तो दिया ना मरवा, या राम सिंह की छोरी थी सी। अच्छा। अब इस छोरी पर जुलम कराया जिया, या छोरी नौकरानी बना रखी, माल पर कर लिया सारे पर कब्जा, इस छोरी को परेशान रखे अब। चल दे आगे खो, कैसे दम निकल रहा बिल्कुल ही, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की हो रही है। आगे उठा लेन पाऊंगा खो, मेहंदी ना लग रही है इनमें, मैं भी थका ली अपनी गैल। देख कर दिया सारी सब्जी खाना, जा खड़ी, ये सब जानू ने तेरे डेरा में, इस सब्जी को अंदर धरिए और चाय बना ला मुझे एक कप, सिर में दर्द कर दिया, थका ली मैं भी कम मखत मारी ना अपनी गैल। कहां से मेरी छाती पर धरी गई बबाल,
250 ग्राम वजन ना, और सत्ती घट रही जो ना क्विंटल वजन धर दिया इसके ऊपर। बावड़ा मान रहे गुगु को, गुगु बावड़ा ना है, बन कर दिखा मैं नौकर। अरे मोरी गंगा मैया, मार दिया रंधा हो रहा था क्या? रंधा मैं हो रहा हूँ क्या? तू हो रहा, मेरी साइकिल टक्कर मार दी और मेरी कमर भी तोड़ दी। मैं क्यों होता अंधा? तू है अंधा, तू अपनी इस गधेइया का भोपू बजाता तो भी कट जाता तेरा। अरे मुझे पता आगे से कोई आ रहा, अब तो पता लग गया भैया। राम झूठ ना बोलवा, मैं मेरा कई हजार का नुकसान हो गया, मुझे पैसे दे। हजारों का? हाँ। मुझे लगा लाखों का नुकसान होगा दिखे, या सब्जी फरा धर कर लेकर आया था के? इस नुकसान के पैसे दे अभी, अभी के अभी दे। टक्कर तने मारी है, मैं क्यों दूं नुकसान के पैसे? मेरे तो वैसे पैसों की सोल्टेज चल रही है। तो राम झूठ ना बोलवा, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे 500 रुपए काट के दे अभी। राम ने झूठ बुलवा दिया, लाखों का नुकसान के तू 500 रुपए मांग रहा अब है के? 500 रुपए दे दे बस। 500 रुपए? हाँ पंडित जी, महंगाई हो रही है पर इतनी थोड़ी हो रही है। ये 2 टमाटर तू 500 रुपए के बता रहा है? छोकरे राम झूठ ना बोलवावे, 500 रुपए काट फटाफट, पूरे 1 किलो प्याज टमाटर चाहिए। इतनी महंगाई भी ना हो रही, मैं 4 दिन मौसीका के चला गया, ये 1 किलो टमाटर 500 रुपए के हो गए तेरे? राम झूठ ना बुलवावे, शैतानी के आगे हाथ जोड़ने के 70 रुपए और कुशामंद करने के 150 रुपए, उससे हाँ करवा के 200 रुपए अलग, और 80 रुपए के प्याज टमाटर हो गए ना 500। वो तो ठीक है पंडित जी, पर ये हाथ पैर कुछ ज्यादा सस्ते ना जुड़ गए? अरे तू 500 रुपए दे पहले, अरे जल्दी दे उन डैशबोर्ड। राम जी झूठ ना बुलवावे। पंडित जी मेरे धोना आना भी, और कहता तो लगते ले ले, और कम पड़े तो कच्चा भी देऊं काट के। रुक जा नीरज बालक। क्यों अब ना चाह पैसे? एक काम करता हूँ, इसे सेठानी जी का यहाँ लगवा देता हूँ, और इसकी तनख्वाह भी मैं रख लूंगा, ये ठीक रहेगा। राम झूठ ना बुलवावे। के सोच रहे हो पंडित जी? पूछना भैया तू जागा कहाँ? किसी के नौकर है के? पहले तू तो किस गांव में देखा नहीं? अजी मैं तो इस गांव में नया हूँ, मैं तो काम की तलाश करता फिरूं। मुझे लगे काम बनता दिखे, फिर सोचने लगे पंडित जी? नहीं नहीं भैया, मैं ये सोच रहा हूँ तुझे लगाऊ किसके। हाँ यह बात तो तुम बहुत बढ़िया सोच रहे हो, तो मेरी नौकरी लगवा दो, तनख्वाह तू तुम्हें 500 रुपए दूंगा। हाँ भाई मेरी बात सुन, गांव की सेठानी है, उसका भतेरी खेती बाड़ी है, तुझे मैं उसके यहाँ लगवा दूंगा। उससे तो मेरी घर जैसी बात है, राम जी झूठ ना बुलवावे। सही रहेगा पंडित जी, तुम मुझे वहां लगवा दो। हाँ हाँ पर मेरे 1000 रुपए का ध्यान रखिए। कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, थारी बात में टाल सकूं भला? ले तो बांध। हाँ भर शबाश शबाश, भर दे जल्दी। ये अच्छा बोर का फंस गया, बोझ आ गई। हाँ हाँ जल्दी कर जल्दी कर। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ला ला बांध के। सब्जी खराब तो नहीं, ये ठीक है। लो जी भाई, वैसे तो बहुत नुकसान है मेरा, पर चल कोई बात नहीं। आ चल। ये सेठानी जो है ना बहुत अच्छी औरत है, एकदम दयावान, पर थोड़ी गुस्से वाली है, झेल लियो। अच्छा जी। हाँ हाँ चलो। चाय सौगी थी जाके, एक कप चाय में 1 घंटा लगा देता ना। रंग रुख देख ले जाके, न्याल वार कर दे उनके। ताई जी कल कर लूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ना मेरी, जब तुझे बताऊं काम, जब तेरी तबीयत ठीक ना रहती। अच्छे आने तेरे पे बहाने बनाने, जाओ गोबर ऊपर तो हटा दे, ये भी बस की ना है। जब भी काम बताऊंगी, जब भी तबीयत ठीक ना मेरी। हेलो सिंह साहब, क्या हाल है जी? हमने स्कूल में डोनेशन देना है, आप कहाँ मिलोगे? क्योंकि हमारा देश पढ़ाई और शिक्षा आगे बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक होगा ना। हाँ जी मैं मिलता हूँ। ठीक है मैं कोहली जी आ जाता हूँ। अंधे हो क्या? ऊपर से चश्मा भी काला लगा रखा है, तो दिखाई नहीं देता तो घर में क्यों नहीं बैठते हो? अंधे के साथ साथ बहरे भी हो, हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया, और मेंटल भी हो क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ और हंसे जा रहे हो?
कोई बात ना मैडम, सॉरी। कोई बात कैसे ना, ऐसे अंधे भरे इंसान को तो घर में रहना चाहिए। ऐसे इंसान तो खुद भी मरते हैं और दूसरों को ही मरवाते हैं। अरे मैडम, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ, सॉरी। तुम्हारे सॉरी का अचार डालू क्या मैं? ओहो, आज रोटी की क्या सब्जी ना लाई दिखे। कोई बात ना, अचार डाल ले, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। स्टूपिड। देख भाई, ये है सेठानी जी का घर, झोरा मोहरा बनवा गया। तो चलना भीतर को। हाँ। अरे पंडित जी, अभी ये किसे लिया है? लगन आजा सवेरे से तेरे पर पहुंच जाइयो। बस हो गया ताई जी। राम झूठ ना बोलवावे सेठानी जी। राम राम। राम राम पंडित जी, सवेरे तो गए थे फिर आ गए तम। माता जी, तुम इसकी बात छोड़ दो, ये थारे घर जैसा आदमी है, तुम मेरी राम राम पहले लो। राम राम जी। राम राम। राम राम। सेठानी माता, अपने चरणों में जगह दे दो बस। पंडित जी कौन है यो? अजय राम झूठ ना बोलो भाई सेठानी जी, आपको नौकरी की जरूरत थी, मैं नौकर ले आया। सेठानी माता, नौकरी पे रख लो बस। चल ठीक है ठीक है, खड़ा तो हो पर को ना, पहले तो मां भरो जो भी खड़ा हो। हाँ चल ठीक है। चाय मेरा करम जली, ये नौकर है ना रिश्तेदार, चाय फिरी बट रही है। चाय नया नौकर मुझे तो नहीं निकाल रही है। अब मेरी छाती पे चढ़ी खड़ी रहोगी, जाएगी नहीं इससे। हाँ सुनो सेठानी माता, चाय तो बनी गई, ना पियेंगे तो खराब जाओगी, इससे बढ़िया तो गरीब के पेट में तो जाओगी। लो तुम चाय पियो। लो सेठानी माता चाय, लो चाय पियो तुम। लो पंडित जी। चाय तो बहुत स्वाद बनी है सेठानी माता। राम झूठ ना बोलवा मैं, तुम्हें नौकरी पक्की समझू? हाँ हाँ, तो अब ठीक है, चाय पियो तम और कब दोगे हम? इब देखो तुम बल्लू का दिमाग, अगर दो दिन में इसकी फिरकनी ना बनाई ना, तो मेरा नाम भी बल्लू नहीं। चलो राम राम जी, राम झूठ ना बोलवावे। अरे रुको, अरे ओए ओए, रुक 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 रुक, स्कूटी के नीचे आके मरेगा के? अरे नहीं, मुझे अगले गांव जाना है, मुझे छोड़ देती मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती। अरे मुझे टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज यार। तुम तो वही हो ना जिससे सुबह मेरी झड़प हुई थी। अरे यार उन बातों को छोड़, कभी मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बैठ जाओ। आज तूने बैठाया है, पूरी जिंदगी बैठाऊंगा तुझे अपने पीछे। अरे यहाँ बैठ के भाषण मांझ रही है, तुम हटो, मैं अपना मांझ दूंगा। नहीं नहीं आप रख दीजिए, मैं साफ कर लूंगी। ना ना मैं साफ कर दूंगा, तुम तो रोज ही साफ करो, तुम आराम से जाकर बैठो ना, मैं मांझिया अभी बिल्कुल। अरे नहीं मैं साफ कर लूंगी। ना ना मैं मांझ दूंगा इन्हें। है भाई मैं तो तेरे से नहीं डरू फिरू था, तू तो बर्तन मांझने आया, झाड़ू पोछा करने आया, इसका मतलब जनानी वाले काम करने आया तू है? हाँ जनानी खातर ही तो आया हूँ मैं। क्या कही? वो मेरा मतलब इस घर में बस जनानी है, उनकी सेवा करने के लिए तो आया हूँ मैं। हाँ तुम वहां जाकर बैठो, इन्हें मैं अपना मांझूंगा। खड़े हो तुम, बैठो तुम यहाँ। मेरी तो कोई मान ही ना, मैं क्यों फिर गधा? है भाई एक बात और सुन ले, यहाँ रहना है तो मेरे से बच के रहिए, मेरे हवा के झोंके तय आदमी का भी मटर हो जा। हाँ वो तेरा शरीर देख के भी लग रहा, तेरा हवा का झोंका भी लग गया ना तो मटर मेरे जुम्मे हो जाएगा। एक बात बता, तू क्या मान रहा मुझे? नहीं पागल हूँ क्या मैं? हैं? नाम पता है क्या मेरा? बल्लू नाम है मेरा, बल्लू। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? बलवान सिंह।
लगता तो खतरनाक सही रहा, पर रही देख के कदी और में उड़ जा तू। अच्छा पहलवान जी नू बताओ थारा नाम बलवान सिंह किन्ने धरा? मेरे माता पिता ने। ओहो या तो उन्होंने फिर दूसरी बड़ी गलती कर दी। हैं? इसमें गलती के कर दी? इतना सुतरा छुरा दे दिया और क्या चाहिए हैं? अच्छा अच्छा ना गांव की सारी लोंडिया मरे मेरे पे। हम मरेंगे तो ही तेरे से जिनावर को देख के। ओह ज्यादा मजाक ले रहा तू मेरी, बच के रहिए मेरे से ना तो तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, बता रहा हूँ। अच्छा बलवान सिंह जी मुझे डर लग रहा। हाँ डरना भी चाहिए, मेरा गलत ना देख रहा तू? हाँ हाँ देख रहा हूँ, अरे मुझे तो डर सा भी लग रहा है। कहाँ जा रहा है? मुझे भी डर सा लग रहा है, मुझे कोई कोना पकड़ लेना चाहिए। और सुन हल्के में मत लियो मुझे। हाँ शरीर तो हल्का है, आदमी तो बहुत भारी हूं मैं। आगे देखते आ तो गई हूँ पर मेरी तो कोई कदर ही नहीं इस घर में। क्या हो गया अब? दीदी ये लो पानी। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ आए हुए और तू है क्या पानी लेकर आ रही है? तेरे काम ठीक से ना होता है? कम्मा खत्म आ रही पानी भी ना दिया जाता तेरे से, सारे दिन ठंडी पड़े हुआ घैसड़े ना भरा है तू है? तुम ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। माँ मैंने के सिर पर चढ़ा रखा, इसकी माँ सारे खानदान को खाकर मर गई, अरे इस कम्मा खत को मेरी छाती पे धर गई, नन कद मरेगी ऐसा नहीं इस घर में से कट टलेगी। कोई थक के बाहर से आए यो भी नहीं कि उसे इस घर में एक गिलास पानी नसीब हो जाए। जन्म दुखे का रखा है पानी पियो, सेठानी नंबर दो। मुझे नहीं पीना पानी वानी। अजी पी लो, गड़ा भी तर हो जाएगा और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। माँ कौन है ये गवार? नौकर है यो, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे लोग। माता जी पानी पिला। बड़ी गर्म मिजाज है भाई। गर्म के साथ साथ तकड़ू भी है। करेंगे इसका इलाज कुछ ना कुछ। क्या क्या कर रहे हैं मिश्राणी? तुम्हें क्या बार समझा रखी, मेरा नाम जमुना है, मिश्राणी मिश्राणी करके अगली बार से मिश्राणी बोला ना तो। ना तो ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तू नाराज ना होकर मेरी मिश्राणी फिर मिश्राणी। अरे जमुना जी अब तो ठीक है। अब तू एक काम कर ले, क्यारी कर ले, सेठानी अपनी लौंडिया का ब्याह करेगी और मैं आपका मोटा हाथ मारूंगा और फिर के? फिर तुझे मैं एक मोबाइल दूंगा वो भी कैमरे वाला और फिर तुझे मनाली घुमाना दूंगा। सच्ची? और के मैं तेरे ही तो रात दिन खून पसीना बहा रहा हूँ। बस मुझे ना बताओ कौन सा खून पसीना बहा रहे हो कंजूस कहीं के, तुम ना दिलाओ कुछ भी और ना घुमाओ। अरे मैं इस बार पक्का घुमाऊंगा, पक्का दिलवाऊंगा। अब के ना दिलवाया ना तुम अपने घर चली जाऊंगी पक्का। अरे ये घर तेरा ना के? ये घर भी मेरा है और अब तो मेरी छोटी बहन का भी रिश्ता हो लिया, उसमें भी पैसे चाहिए। साली का दिया इसका मतलब डबल खर्चा, किसी तरह रिश्ता तुलवाना पड़ेगा। तो ये सोचने लगे? मैं नहीं सोच रहा हूँ कि गंगा भी भैया लायक ना, तो बच्ची है वो। छोरा अच्छा मिल रहा और गंगा भी अब बालक ना रही। खड़ी ना रही। ओए रंबड़े। हाँ मालिक। खद्दर की डबकू जाइए देख के ये वासिक पड़े देख के ये आगे की नाई कई दिन वाली वहां जाऊ। हाँ मैं जाऊंगा, वैसे चार दिन पहले भी गया। अच्छा हाँ और गन्ने में पानी भी चलाना। हाँ तो बिजली आवेगी, पानी खोल लिया तू। पर एक काम करिए पहले बंगर से रोटे लिया और फिर वहां पानी खोल लिया। ठीक है अभी हम चाय पानी पी के। ठीक है। और वो लत्ता कहाँ गया फेरन का? नहीं रखा।
अजी राम झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, मैंने एक सुथरा सा छोरा देखा। कैसा छोरा है, कौन से गांव का है? अजी बगवाड़ा में है, खेती ट्रैक्टर गाड़ी नौकर चक्कर सब कुछ, और क्या चाहिए। ठीक है। क्या हो गया तेरा? दिखाना था मैं, ठोकर लगी। तुम मुंह को उठा के चला, देखा कंगा को चला कंगे को, खड़ा हो जा, पर को तेल लगा ले जा। चाय लो पंडित जी। जी हाँ जी। राम जी झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, मैंने आपकी अंधी बेटी के लिए भी एक लड़का देख रखा। खबरदार पंडित जी, जो ऐसा कुलक्षणी को मेरी बेटी कही तो खा गई मेरे पूरे परिवार को, असैनी कम्मा खत। पर राम जी झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, ब्याह तो इसका भी करना पड़ेगा ना। ब्याह ना, इसका तो पिंड काटना, कोई नौकर भी मिल जाए तो उसकी गैल करवा दे इसका ब्याह। तू कैसे छाती पे चढ़ा खड़ा, दिखा रहा गिलहरी से दांत। देखो सेठानी जी, मैं भी तो नौकर ही हूँ ना। हाँ हाँ नौकर है तो फिर मैं पक्का समझू। हाँ पक्का ही तो है, हम कद नाट रहे हैं। है और क्या, राम जी झूठे बोलो। ताई जी नमस्ते। सेठानी जी, राम जी झूठ ना बोलो, थारे से नौकर की शक्ल उसके जैसी है। किसके जैसी है? चूहे जैसी। पंडित जी ये सब बात छोड़ दो, तुम वो बगवाड़े वाले छोरे से बात चला और रिश्ते की। ठीक है जी। राम जी झूठ ना बोलो, एक बात कहूँ सेठानी जी। हाँ हाँ, घर में बालक है, राशन का सामान, राम झूठ ना बुलावे। तुम तो मेरे मन की बात जान लो सेठानी जी, राम झूठ ना बुलावे। चल ठीक है, लारी में बैठा। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते, आ जा बैठ जा। ताई जी मंजू ना दिख रही? मंजू अपने कमरे में, तू नू बता तेरी बहन की शादी कैसी रही? बस ताई जी सब ठीक हुआ। ताई जी चलो मैं मंजू से मिल लूं। मिल ले अंदर है। हाय मंजू। अरे लाली तू, तू यहाँ कद आई? तू सुबह ही आई हूँ, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी? तू गांव की लड़कियों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन और सिलाई सेंटर खुलवाना चाहती थी ना? हाँ तो उसके लिए तुझे डोनेस भी चाहिए था। हाँ तो दिल्ली से एक बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो गरीब लोगों की सहायता करना चाहते हैं और उसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। क्या, कहाँ कहाँ है वो? चल हमारे होटल में रुके हुए हैं वो। चल चल। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ, बस अभी आ रही हूँ। ठीक है जल्दी आइयो। चलो ठीक है, देखते हैं हम इसे। भैया बोलो। जी बताइए। हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, कुछ पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा रहता। बताइए कितने पैसे चाहिए? 1,00,000 रुपए, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लो ये 1,50,000 रुपए का चेक है, 50,000 रुपए बच्चों की ड्रेस जूते अन्य सामान मेरी ओर तरफ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहे, गरीब बच्चों की दुआएं आप सर। आइए आइए, शर्माओ मत, घबराओ मत, आ जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, उस दिन के लिए सॉरी। किस दिन के लिए? वो स्कूटी से आपको टक्कर मार दी थी ना। वो तो अनजाने में हो गया, वो तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, छोड़ो ना उस बात को। जी धन्यवाद। जी बताइए मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ? जी हम गांव में लड़कियों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन और सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बताइए आपको कितना फंड चाहिए? जी हम 75,000 से शुरुआत कर सकते हैं। लो ये 1,00,000 रुपए हैं, आप अपना काम चालू करें। जी शुक्रिया।
अरे गोलू भाई, जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अरे यार तो अपना भाई है यार, शुक्रिया की क्या बात है। अरे तू बता भाभी कैसी है? मुझे क्या होता, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे भाभी मैं तेरी बात ना कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा जो यहाँ से गई है अभी। तुम उसकी चिंता मत करो, छोरी एक नंबर है। तो हमारा दोस्त भी तो एक नंबर से ऊपर है, मतलब जीरो है, मामली हीरो मतलब हीरो। अरे तुम दोनों अपनी राम कथा बंद करो, मेरी भी सुन लो। हाँ बोलो ना। अरे भाभी इससे एक बार ब्याह हो जाए ना तो मजा आएगा। अरे तू चिंता ना करे, ब्याह तो हो ही जाएगा इससे। अब बस तुम आगे का प्लान बताओ। भोलेनाथ भोलेनाथ मेरी साड़ी का ब्याह करवा दो। बात को समझे करना भोलेनाथ, मेरा खामोखा नुकसान है। कहाँ की साड़ियों के चक्कर, तू सेठानी की लोन जा करवा दे पर मेरी साड़ी का रिश्ता तुलवा दे भोलेनाथ। खरा बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात तो आपको मेरी माननी पड़ेगी भोलेनाथ, क्यों मैं आपका पुजारी हूँ। मैं रोज पूजा करता हूँ आपकी, रोज करता हूँ, भगत की इतनी बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो मेरी इतनी बात तो मान ले भाई, तेरी तो घर की बात है भोलेनाथ। आप मेरे, मैं आपका, जय हो भोलेनाथ। हैं ठीक है भोलेनाथ, मैं चलूं और यू काम मेरा कर दिए भोलेनाथ। साली का रिश्ता बिल्कुल तुलवाई थी और उसको करवा देना उसका सेठानी की लौंडिया का, क्या दिक्कत आ रही है। जय भोलेनाथ। अच्छा राम राम, मैं चलूं। राम जी झूठ ना बोलवा भाई भोलेनाथ, मैं रोज आऊंगा ठीक है। अच्छा नमस्कार भोलेनाथ, जय राम जी की। दिखते ना अंधा है के। अरे अरे भाई साहब, मेरे तक गलती होगी, मैंने जान पूछ के ना मारा, मुझे माफ कर दो। अंधे की औलाद दिखे। अरे अंधा किसे कह रहा है? सारे खाल तार लूँगा। मार रहा बॉस को अंधे दे। अंधे ना आलिया तू पूछ। हाँ भी क्या कह रहा है इससे, कैसे मारे तेरे इसका थप्पड़। अरे भाई साहब क्यों मार रहे इस गरीब इंसान को, तू बीच में से हट जा, फालतू के चक्कर में मत पड़े। भाई साहब मैं हट भी गया तो कौन सा सही हो जाएगा। तू जा रहा है यहाँ से ना जा रहा। भाई साहब तुम लंबे चौड़े आदमी, मैं छोटा सा आदमी, तुम डांटोगे तो डट ही जाऊंगा। मेरी एक बात सुन लो। क्या भाई साहब, यू गरीब आप ताकतवर, इसे पीट कर मिल क्या जाएगा, अब जाने दो इसे। आज के बाद मेरे सामने मत पड़ जाइए, समझा दिए इसे। ठीक है भाई, अब तू क्यों खड़ा, चलता क्यों नहीं। हाँ चल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इट्स ओके। चलो जी धन्यवाद भाई साहब। बल्लू जी आप मुझे हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और सुनाओ पंडित जी। बजी ठप ठीक है जी। पंडितानी भी ठीक है? अजी बस ऊपर वाले का आशीर्वाद जी। ठीक कह रही हो ना बल्लू, देख ले कितना बढ़िया छोरा और कितना मेहनती है। हाँ सही कह रही हो, तुम तो सारी बात ठीक ही कहो। सीख ले ऐसा कुछ, तुझे एक काम बता दूं उसी में अलझा रहा है, तेरा काम करने को जी ना करता, देख ले मट्टी की रोध रहा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैं तो सारी बात मानू तुम्हारी। बड़ा बावड़ा छोरा पंडित जी, यू देखे कंगे कुए और बोल ले कंगे कुए यू। मुझे भी ऐसी लगे। पर पंडित जी तुम यू छोरा बहुत बढ़िया लाए। बढ़िया काम करे, मेहनती है। हाँ। राम जी झूठ बोलवावे, मैं तो सारे काम बढ़िया ही करूं, शिकायत का मौका ही नहीं देता कभी। तो क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया? हाँ हाँ क्यों ना। तो सेठानी माता मेरा ब्याह करवा दो तो मैं कमांड भी लगा। अरे कैसी बात कर रही हो सेठानी माता, तुम बस ब्याह करवा दो। ठीक है करवा दूंगा ब्याह, काम करता रहे अपना मन लगा के ऐसे ही। बस तुम ब्याह करवा दियो। ठीक है। हाँ। पंडित जी ढूंढो कोई इसके लाख सूत्री से छोरी। राम जी झूठ बोलवावे, बड़ा भला छोरा, मेहनती भी है। हाँ यस, एक हाई वेस्ट जीन्स दिखाइए ना प्लीज। राइट लाली देख, वो डोनेशन वाला लड़का
हेलो। ओहो। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, पर आप ना? मैं कपड़े लेने आया था। मैं भी अच्छा हूँ। हम भी यहाँ कपड़े लेने आए हैं। अच्छा अच्छा भाई, वो लेडीज ड्रेस जो दिखाई थी जी, वो दिखाना है। ओके सर, ओके। वाकई में बहुत सुंदर पीस है, आपके बहुत जमेगा ये। वाओ। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम। ओके लाली। हाँ ये ले ना। लाली इसमें पैसे नहीं है। अरे होंगे इसी में, देख। अरे नहीं है यार, रख के भी लाई थी। अरे सारी जेब देख रही थी यार, नहीं है पैसे। यहाँ तो कोई आया भी ना जो कार्ड के लिए जाए, कहीं रस्ते में तो ना गिर जाए। पता नहीं क्या हो गया, पैसे नहीं मिल रहे। अरे एक बार अच्छे से देखो ना पर्स में, कहीं होंगे धरे होंगे। अरे मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने पैसे रखे थे। मैडम इनका क्या करना है ये बताइए। नहीं रहने दीजिए, मैं कल आके ले जाऊंगी। ओके मैम कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, क्यों? अरे पैसे मैं दे दूंगा, ले जाओ आप। नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे इसमें अच्छे की कौन सी बात है, वे भी तो तुम्हारे पैसे है। मतलब? अरे मतलब छोड़ो, आप ले जाओ। ठीक है मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। थैंक यू। मैं बंधवा देती हूँ। हाँ तुझे पता है सीताने मेरा ब्याह करवाओगी? क्या क्या की बात है इसमें? सीताने कह रही थी अब तो तू कमाल लगा, सारा काम करा है, तेरा ब्याह करवाऊंगी। आप मेहनती तो बहुत हो। अच्छा एक बात पता, तू ब्याह कब करवाओगी? मुझे ना पता। सही जा रहा है बेटे, भड़का ऐसे ब्याह के लिए, मेरे ब्याह की तो बात हो रही है, कर कर। ले इस पर ना पता होने वाली कौन सी बात है, तेरे पे भी सारे काम करने आम है, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका सिलाई कढ़ाई सारे काम तो जाने है तू, और के चाह ब्याह के लिए? मैं इतना ना सोचती, जैसे ताई जी कहेंगी जब कहेंगी देखा जाएगा। ले सीता ने तो अब बात फिर तेरे ब्याह की। ना ना ऐसी बात मत करना। ले भाई इन छोरिया कुछ नहीं पता, किस बात तक खुश हो जा और किस बात तक नाराज हो जा। हाँ तो भाई गुग्गू कैसी लगी तुझे भाभी? अरे भाभी तो बहुत बढ़िया है यार। ताई राम राम। क्या देख रही हो मम्मी जी, बताओ भाई। दामाद आया, कोई चाय पानी कोई नहीं बुझ रहा। चला जाओ ऐसे, कहते तुझे पियाऊंगा भी चाय। चला जाऊं? मैं चला जाऊं? तेरे में हिम्मत है तो भेज के दिखा। देख तैने वो सब कुछ करा जो तेरे मन में था, बन गई ना नौकरानी से सेठानी, अब मेरा भी भला कर दे, घर का माल घर में रह जाएगा। थामो जुबान को, लगाम दे ले, ये बता रही हूं। अरे लगाम ही तो दे रखी है जवान को, अगर यू मेरी जवान कहीं और चल गई ना तो कहीं की ना रहने की। बैठ जा मेरी प्यारी मम्मी जी, बैठ जा। इसे तो आती जाती देखना पड़ेगा। अगर तेरा बिहान जो से करवा दूं तो वो भट्टे वाली जमीन भी तुझे दे दूंगी। मंजू से ब्याह के बाद अंजू भी मेरी और भट्टे वाली जमीन भी मेरी। अरे मम्मी जी मैं क्या करूंगा जमीन जायदाद का,
मैं तो मंजू से प्यार करूं हूं, इसलिए तेरे दर पर बार बार आ जाऊं। सोच ले, जब तू कह रही है तो सोच लूंगा। राम राम। अरे कहां रह गए भगवान, एक आध घूट चाय ले आ। लो जी चाय ला। और मैं बता, वे बालक कब आओगे नन्नी के घर ते? वो तो मौसी के ब्याह के बाद आएंगे। अब अब तो एक काम और कर ले, इस ठंडी चाय को मेरे माथे में मार फेंक के। वो जी मैं बना के ना आपको देना भूल गई। और खुद पी ली होगी? हाँ वो तो मैंने पी ली अपनी मम्मी से फोन पे बात करते हुए। भाई मेरे ससुरों ने ससुराल वालों ने मेरा खून पी रखा। पीनी है तो पियो, मेरे घर वालों के बारे में कुछ ना बोलो। कहाँ चलिए यो पी के जाओ। अपनी माँ को पिला दिए से, मैं तो किसी सुंदरी के घर पी लूँ चाय। तो घर आने की जरूरत ना है, उसी सुंदरी के यहाँ रुक जाइयो जहाँ चाय पियो। अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ है। तेरी खूबसूरती तो बढ़ गई मंजू, क्या लग रही है, गजब ढारी है, क्या करके मानेगी? रहन दे भर दुआ में। ना ना मैं ठा लूंगी। दिख रहा मुझे कितना उठना, हट। अच्छा तो न्यू गया था ये? हाँ खैर देवर है, भाभी का इतना काम तो कर ही सके। रह गया ना, जब कोई ऐसा काम हो ना तो मुझे बता दे कर तू। ठीक है ठीक है, मैं इस घर में हूँ क्यों, तेरी खातरी तो हूँ। मतलब? अरे मतलब मैं थारे घर का नौकर हूँ, हर सेवा पानी करने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मंजू कहाँ जा रही है? मम्मी मैं पैसे वापस करने जा रही हूँ। किसके पैसे? मम्मी कल ना मैं सूट लेने गई थी और ना मैं पैसे ले जाना भूल गई, तो वहीं पे ना राज मिल गया था और उसने पैसे दे दिए। बावली तुझे कितने बेर कह रखे, ऐसे किसी के पैसे नहीं लगते। पता है मम्मी मुझे, तभी तो लौटाने जा रही हूँ। कौन है राज? राज राज वही है जिन्होंने डोनेशन के लिए पैसे दिए थे। चल ठीक है, जल्दी आई यार। ठीक है मम्मी। लो सीतानी माता चाय पियो। अरे चाय ले आया भाई। सीतानी माता रिश्ते वाली बात क्या रहा? अरे करवा दूंगी तेरा ब्याह भी, तेरे तो ब्याह की बड़ी जल्दी लग रही है। बहुत ही प्यार करती है मुझसे यू। अरे तू जल्दी से मेरा ब्याह करवा दे, फिर जल्दी जल्दी भाड़ा खाऊंगे, फिर मुझे पापा पापा कहेंगे। अच्छा चल ठीक है, अभी तू काम कर, देख रही हूँ मैं छोरी तेरे ला करवाऊंगी तेरा ब्याह। ठीक है। ये छोरी बावली ना हो जा मेरे चक्कर में। ते जल्दी जल्दी हाथ चला ले, तेरे पे झाड़ू ना लगी सवेरी से, इतना खावे और काम में ऐसे हाथ चलेंगे से दम निकल गया हो। कपड़ों पर प्रेस कर दे मेरे इन पे। तू कहां चला बच्चा, कैसे मुंह के? मैं ना पानी उबालने के लिए गैस चलाकर भूल गया, बंद करके नहीं आया, वो बंद करके आ रहा हूं। ये सब काम चोर हो रहे हैं। के बात आई, आ जा तू भी। क्या देख रहा है जिंगे तिंगे को? मंजू ना देख रही? मंजू ना यहाँ बाहर गई है। और अंजू कहाँ है? वो खेत पर गई है। चल ठीक है, फिर मैं भी चल रहा हूँ।
अरे मंजू तू? हाँ वो मैं पैसे वापस करने आई थी। राजी कहाँ है? वो अपने रूम में और बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें तो बुखार हो रहा है। जाओ देखो। नहीं उन्हें आराम करने दो। एक काम करो ये पैसे उनको दे देना। ना ना तू ही चली जाओ, पर वो पैसे भी दी हाल चाल भी पूछी। अच्छा ठीक है। कोई है क्या? कौन? मैं मंजू। आप कैसे? हाँ वो पैसे लौटाने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है अब? बच्चे सब तुम्हारे सामने हूँ। लाली ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ थोड़ा सा बुखार और ये खांसी हो रही है। क्या हुआ? सीने में भी दर्द हो रहा है। मैं देखती हूँ। इतनी जल्दी क्या थी पैसे की? अरे नहीं वो उस दिन आपने मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे। ये पैसे तेरे मेरे होने की जगह हमारे हो जाए तो? मैं भी समझ रहा हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन भी यही कह रही है। नहीं वो आपकी तो तबीयत खराब है और बुखार भी है आपको। और जो दिल में दर्द है वो तुम्हारे लिए है, जब से तुमने अपनी नजरों से दिल में तीर मारा। महारानी मेहंदी लग रही है हाथों के, चला ले जल्दी जल्दी हाथ। तने जन्म दुखी कर रखा मेरी छाती पे धरी है तू, नन कहां से पत्थर तोड़ने को करम जली। कदी बुखार का बहाना कदी काय का बहाना, तने जन्म दुखी कर रखा। के हुआ सीतानी माता, बहुत गुस्से में हो? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, काम करने को इसका जी ना करता बिल्कुल भी, ऐसी और जैसे इसका दम निकल रहा। अरे बुखार बता रही है, बुखार का बहाना लियो बैठी है यहां यो। सीतानी माता इसे सच में बहुत तेज बुखार है। जैसे तो बुखार हो रहा है, बहाना मार रही, मैं सब जानू इसे जैसी आई हूँ। इसे आराम कर लेना चाहिए। आराम करवा दे, सुवा दे जमकमल के गद्दे पे, यहाँ काम कौन करेगा? काम मैं कर लूंगा माता जी, चलो। सब जानू मैं तुझे, तू जैसी है जटल जा मेरी आंखों का आगे से। तू अभी आराम कर ले, तेरी तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी काम। वो तो मुझे पता तू काम कर लेगी, और वैसे भी सारा काम तू ही करे, पर अब बीमार है, अब तो आराम कर ले। मेरा इतना भी बुखार ना है। पर जितना भी है तू आराम कर ले, काम तो मैं कर लूंगा। मैं पानी लाता हूँ। लो पानी पियो। अब लेट जाओ, आराम करो, चलो।
ले रोटी खा ले। ला मैं खा देता हूँ। ना ना मैं खा लूंगी, आप भी खा लो जाके। मैं तो खा लूंगा बाद में, तुझे दवाई भी तो लेनी है। मुंह तो खोल खोल। सुन ये दवाई ले ले। लेट दो। अच्छा तो नू बता, तने ताजमहल देखा आगरे का? ताजमहल वो क्या होता है? अरे बावली, वो प्यार करने वालों की सबसे नायाब निशानी है। मैं तो कभी स्कूल भी ना गई बचपन में। अच्छा फिर तो तने रेल भी ना देखी होगी। देखी है ना टीवी में। अच्छा मुझे लगा तू कहीं गई ना दिखे। ताई जी कहीं जाने ही ना देती, ना खुद लेके जाती कभी। मैंने तो आज तक अपना गांव भी ना देखा पूरा। तू चिंता मत करे, मैं तुझे घुमा के लाऊंगा पक्का। पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं काम कर लूं। अब तो पैसे भी आ गए, जहाँ चाहो जैसा चाहो ऐसे ले लो पार्टी। तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है। सुबह वाली दवाई ले ली थी? हाँ खा ली थी। तीनों खुराक ले ली, जब ये आराम लगेगा। ठीक है। और हाँ झाड़ू तो मैं लगा दूँ, तो आराम कर ले। ना मैं लगा लूंगी, अब तबीयत ठीक है मेरी। चल ठीक है, मैं डांगों के लिए पानी भर लूँ। हाँ ठीक है। क्या कर रही है अंजू? दिखना रहा क्या कर रही हूँ अंधा आके? मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा? बस जो भी चल रहा है सब ठीक चल रहा है, और बहुत जल्दी तेरे को ना भाई जैसा देवर भी मिलने वाला है। भाई वाह, बल्लू भी बहुत बढ़िया आदमी है। राज, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा हर सपना पूरा हो गया। मेरी जिंदगी में भी एक खालीपन एक सुनापन था। कहने को तो सब अपने हैं, पर मेरा कोई नहीं था। पर अब लगता है मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ और जीने का सहारा है। राज मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी।
मेरा तो हर सपना तुम्हारे साथ है। मन है कि जीऊं भी तुम्हारे साथ और मरूं भी तो जान तुम्हारी गोद में निकले। मंजू, ये राज तुम्हारा ही होके जिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ कुछ भी क्यों होगा, हमारी शादी होगी और जरूर होगी। हेलो हेलो पिताजी, राम राम। राम राम बेटा, और सब ठीक ठाक तो है? हाँ पिताजी, मैं ठीक ठाक है, तुम बताओ। हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ, और तुम बता काम की तेक हुआ? काम तो मानो 90% होया ही मानो। अच्छा, और उस काम चोर का? उस तक कह तो देती। एक काम करिए, उसे फोन करके कह दिए तुम एक बार घरों आ जाओ। ऐसा क्या हो गया? अरे काम भी बता दी, मैं घर लो तो आ जाओ एक बार, मेरा थरे तो मिलने को भी जी कर रहा। ठीक है, बोल दूंगा। राम राम। ठीक है, आ जाओ। ठीक है पिताजी, राम राम। बेटे, एक बार मंजू से ब्याह हो जाए ना, उसके बाद मंजू भी अपनी और सेठानी का सारा माल भी अपना। भाई बस दो बीघे जमीन में ले मैं बंगर वाली, हर काम में साथ दे रहा थारे में। ना भाई ना, ये जमीन ना दू, वहां तो मैं अपनी अंजू को रखूंगा, उसके बदले में 4 बीघे दूसरे खेत पे दे दूंगा। अब अंजू को रखो है मंजू को, 2 की 4 मिली मिले तो वही बहुत है। देख ले, तामू यारों का यार है। थामू भाई, तुम लग रहे हो यहाँ दारू में, तुम्हारी चुड़िया को दाना कोई और डाल रहा है। कौन है वो साला? अरे भाई, जिसने चेक दिया सिलाई सेंटर खोलन खातिर। लगता है उस चुड़िया के पर काटने पड़ेंगे, बहुत उड़ान भरने लगी हो। भाई तू कुछ मत कतरे, चुड़िया की माँ भी पकड़ ले जा गए, जो करेगी वह करेगी, फिर तू कुछ करेगा तेरे ब्याह में दिक्कत आओगी। सही कह रहा थामू भाई, बात तुम दोनों की बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सेठानी के कान में निकालता हूँ अभी जाकर। तू सिगरेट लगा, अपडेट है अंदर। लो सिटानी माता, चाय पियो। रख दे अभी पियूंगा। वो सिटानी माता, एक बात कहनी थी। हाँ बता, क्या बात है? जी वो मेरा महीने से ही पूरा हो लिया, मुझे 1-2 दिन के लिए घर जाना पड़ेगा, मेरे पिताजी की तबीयत ढीली चल रही है। क्या हो गया पिताजी को? वो हाँ, दम्मे के मरीज है ना पिताजी। चल ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। हाय राम राम। हाँ बता, कैसा आना हुआ? आया तो बड़े खास काम से, अब तेरी नाक कटने में ज्यादा टाइम ना बचा। थामू, क्या बकवास कर रहा है तू? थामू कभी बकवास ना करता, जो कहवे सच कहवे। तू थोक सा तो बिलवा मत ना, साफ साफ बता क्या बात है। साफ साफ सुनना चाह रही है तो सुन, मंजूस बिजनेसमैन के साथ कोलम कोला हो रही, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कॉफी की दुकान पर। मुंह संभाल कर बात करने, तेरे सांसें रोक दूंगी यही। अरे ताई क्यों गुस्सा हो रही, मैं तो तेरा अपना हूँ, जो तुझसे बताना आएगा। कोई हो रोता ना पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता। अब देख, अब भी ज्यादा टाइम न होया, तू उससे मेरे फेरे फिरवा दे, मैं अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू चुप कर बैठ जा। मंजू, ए मंजू, यकवा की बात है माँ, ये थामू क्या कह रहा है कि तू राज की गैल चिपक कर डाल रहे? माँ ये कुछ भी कह रहा है और आप इसकी बात पे यकीन कर रही हो? इसको तो ना 2 जूती मारो, ठीक हो जाएगा। देख लेता ही, अभी कुछ ना बिगड़ा, मैं अब भी इससे फेरे फिरने तैयार हूँ, बाद में बहुत पछताएगी। अरे तो चुप मर ले, तू बता सच्चाई क्या है। माँ वो राज, वो देख रही है, लड़खड़ागी ना जवान। तू चुप कर खड़ा हो जा, नहीं तेरी टांग तोड़ दूंगी। तू बता सच्चाई क्या है। माँ, राज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा कमाता है और वो मुझे पसंद भी करता है। और तू? माँ वो मैं भी। देख लेता ही, हम कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है सच होता है। अंदर चली जा और जो आज के बाद तू घर से बाहर निकले तेरी टांग काट दूंगी। चल मम्मी,
मम्मी मम्मी कुछ नहीं, चल अंदर। अरे कुछ ना, फोन दे रखियो। मम्मी, चलो तुझे फोन अभी। देखता ही, मैं तो तेरा अपना हूँ, बचपन से देखा था ना मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हो तेरे सामने। अब भी टाइम है, इसके फेरे मुझसे फिरवा दे, तेरी भी इज्जत बच जाएगी और तेरी इज्जत जाने में कोई कसर न रही। तू अभी जा, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा, बाद में बात करिए, चल। ठीक है मैं चल रहा हूँ, मगर जल्दी सोच लिए, कहीं देर ना हो जाए। सना न्यारा दिमाग खराब कर रखा, एक इस लैंडिया ने जन्म दुखी कर दिया, तो चाय भी ठंडी होगी। गुगू, आ गुगू, ये चाय ठंडी होगी, ले जा। घर जाने की कह रहा था, कब जाएगा? जी कल सांझ को जाऊंगा। ले पैसे, 1000 रुपए बढ़ती है इसमें, फालतू। आएगा कद? जी एक दो दिन में आ जाऊंगा। ठीक है आ जाइए, कभी जाकर वहीं फैल जा। इसकी मंजू की शादी भी करनी है, तुझे पता ही ब्याह का कितना काम फैल रहा है। ठीक है माता जी, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है जा। दिखा ला मैं बाड़ू। तुम घर जा रहे हो? पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए घर जाना पड़ेगा। हाँ फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मैं समझ सकती हूँ माँ बाप क्या होते हैं। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जैसे ही तो हैं, तुम मायूस क्यों होती हो? मैं 3 साल की थी जब मेरे सर पे से माँ बाप का साया उठ गया था। तुम चलो ना मेरे साथ मेरे गाँव में। मैं वहाँ क्या करूंगी? कुछ करना जरूरी है के? वहाँ चल के 2-4 दिन आराम करिए, यहाँ तो तू लगी रहे। जब से तुम आए हो तब से मैं आराम ही तो कर रही हूँ, मेरा सारा काम तो तुम ही कर देते हो। अच्छा सारा दिन तुझे मैं काम करती देखूं, हैं? अच्छा जी सारा दिन मुझ पे ही नजर रखते हो क्या? अरे वो नहीं नहीं, जब एक ही घर में रहते हैं तो दिखाई तो देता ही है कि क्या हो रहा है। हाँ मंजू दी को ताई जी ने 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा है। अच्छा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे गगन नायक लो कहाँ रह गए? हाँ पिताजी लेट हो गया दिखे आने में। अरे मुझे उसकी चिंता रहे, वो बेचारा शुद्धा है। शुद्धा बता रहे हो? उसने पूरा घर मुट्ठी में कर रखा है, सबका लाडला बना बैठा है वो। अरे तेरे की डाल तेज तर्रार नहीं है उसमें, तो बस एक बात है, सारे काम की जिम्मेदारी मान के बैठ जा, बाहर भीतर का कुछ ही काम। ले आ लिया भाई। गगन आ जा बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। देखा ये हूँ संस्कार, उसने अपनी राम राम करी 5 हुए, अरे तू बाप गैल भी हाय बाय करके बात करे। सही कह रहे हो तुम पिताजी, है तो ही पूरा अंग्रेज। हाँ। पर घर में एक अंग्रेज भी चाहिए, कोई बाहर भीतर तो आगा तो कम से कम बात तो कर लेगा। हाँ घर में एक अंग्रेज भी चाह। गगन हाथ मुंह धो के रोटी खा ले, रोटी तैयार है, फिर बैठ के बात कर। ठीक है पिताजी। राम झूठ ना बुलवा सेठानी जी, लड़का एकदम हीरा हीरा, बाकी तुम खुद चल के देख लिया। पंडित जी तेरी बात पे विश्वास करके मैं अपनी लड़की का रिश्ता कर रही हूँ, अगर आगे चल के कोई दिक्कत हुई ना मेरी लड़की को तो ध्यान कर लेना, तेरे कान पाड़ लूंगी मैं, ये तेरी जिम्मेदारी है। राम झूठ ना बुलवा सेठानी जी, 23 साल से जिजमानी कर रहा हूँ मैं, उनके घर की एक एक बात जानू मैं, कहीं भी किसी भी तरह कोई दिक्कत हुई तो जिम्मेदारी मेरी है। तू की दांत फाड़ रहा, बना रहा बत्तक कैसे मुंह है? ताई जी चाय। अंजू एक कप चाय और बना ला पंडित जी के लिए। ठीक है ताई जी। शिवचानी जी इस नौकर को ले आया था ना? क्यों? ये तो निहात बदतमीज आदमी है, इसे बड़ों की इज्जत बेइज्जती कुछ पता ही ना। पंडित जी इसको छोड़ दो तुम। तुम मुझे लड़के की जमीन जायदाद बताओ, कितनी जायदाद है उसके? सेठानी चाय तो मंगवा लो। ए महारानी बनी ना तेरी चाय अभी। इसे एक काम बता दो पंडित जी, अलझ ही रह उस पर।
हाँ गगन बता तू, और वहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ पिताजी वहाँ सब ठीक ठाक। अरे नू बता, सेठानी ने तेरे पैसे दिए ना दिए? हाँ सेठानी ने पैसे दिए और 1000 रुपए फालतू लेकर आया हूँ। अरे तेने तो लूट मचा रखी है। अरे नू बता तेरा काम कहाँ तक पहुँचा? अरे मेरा काम तो बिल्कुल सही चल रहा पिताजी, अंजू बहुत सुद्धी लड़की है। हाँ जितना सीधा तू है उतनी सीधी वह होगी। ओ अंग्रेज थोड़ा सा चुप हो, गगन तू बता। पिताजी वो बिचारी बहुत अच्छी है, दिन रात काम में लगी रहे नौकरों की ढाल, पर उसी गैल तो इतना बुरा व्यवहार करे है, कोई आदमी नौकरी गैल भी ना करे। अगर वह बीमार भी हो जाना तो उसे कोई नहीं देखता। अरे एक उसकी दूसरी छोरी है मंजू, वह तो दौलत के नशे में इतने चोर रहे बस पूछो मत ना। पिताजी मंजू भी बहुत अच्छी लड़की है, पर लाड़ प्यार में पली है तो थोड़ी सी जिद्दी है। कोई बात नहीं, तुम लगे रहो अपने काम पे, गगन पता ही बाकी क्या करना। पिताजी मुझे कैसे भी करके मंजू का रिश्ते तोड़वाना बस। बहुत ही बढ़िया, क्यों अंग्रेज सही कह रहे हो पिताजी। पिताजी धारे कहे थे इस काम को हम कर तो रहे हैं, पर हमें नहीं पता काम सही है गलत। पिताजी आप हमारा रिश्ता वहां जाके भी तो मांग सकते थे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं गया नहीं मासिक? मैं गया मासिक, उसने बेइज्जती करके भगा दिया, कहने की औकात बता दी वह मुझे, वह मुझे औकात समझान लगी। मैं नु ही नहीं तुम्हें बता रहा, तुम पता नहीं वहां क्या कर रहे जाकर। मैं नु ही नहीं बता रहा था, उस बुढ़िया के चक्कर में उन दोनों छोरियों का नाश ना हो गया। अरे मैं जो कुछ कहूं तुम वो काम कर लो, सुन गया? ठीक है पिताजी। कहां से आए हो बल्लू जी? बल्लू जी मैं तो जी भैंस जी को चारा डाल के आया था जी। अब मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। आपको ऐसी आई? बहुत। मैं तो आपको सारी उम्र हंसा सकता हूँ। सच्ची? हाँ भगवान कसम। मैं भी चाहती हूँ सारी उम्र मैं हंसती रहूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बत्तक कैसा मुंह बना रहा है, इसे नूनी देख रहा कितना सूरज चढ़ रहा है, डांगरा को न्यार होना ना होना। अखत ऊपर को क्या हो गया, क्या हो गया? कुंभकर्ण की नींद में सो रहा बिल्कुल ही, हो जा खड़ा ऊपर को। क्या हो गया? हो तो बहुत कुछ, जाओ तुझे लिकार का भगा दूंगी आज ही हंस। ना ना माना, ये काम मत करियो, मैं ना तो जाऊंगा, मेरा तो तेरा अलावा कोई है भी नहीं। खड़ा ना खड़ा होकर देख, खड़ा होकर बिखरा सूरज कितना ऊपर चढ़ रहा है ना। कर डोरा को यार, तुम्हें रोज बतानी पड़ेगी किस टाइम उठना, जन्म दुखी कर दिया तुमने कम मखत। ले भैंस जी खा ले। अरे आज मैं बहुत कुछ खा ले, कोई ना मैं खिलाऊं अपने हाथ से, यार खा ले ना। और सुन तेरे को एक बात पता है, वो भी मुझे चाहता है, और हाँ उसने बोला मुझसे शादी करने के लिए। कोई ना तेरी तो शर्म के मारे निकल गई, मेरा क्या हाल हुआ होगा हैं? लेकिन समस्या ये थी कि वो सिर्फ मेरा सपना था। कोई ना तू तो खाओगी अब सपना जो बता दिया मन्ने। अरे तो नाराज क्यों हो रही है, क्या हो गया? वो सपना था तो मैं उम्मीद ना रहूं, तू चिंता मत कर। और एक बात बताऊं, वो मुझे रियल में भी चाहे, यानी इंग्लिश तो समझती होगी, असली में भी चाहे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आवे ना मुझे लिखा। अरे ना हर उम्मीद भाई, मैं मोल तो दिया मन्ने। लेकिन तू चिंता मत कर, चारा टाइम से तुझे वही डाल लेगी और कोई ना डाल ले, खुश रह तू। मेरी किस्मत फूटी थी बस, लेकिन कोई ना मैं कोशिश पूरी करूंगा। अब हाँ तू नाराज ना होइए, ठीक है ना? मैं जा दूध तू भी दे दे के, चल दे दिए तन्ने ना छोड़ू। दीदी खाना खा लो।
मुझे नहीं खाना। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी ऐसी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा तो खा लो। रख दे, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी, तू जाए यहां से। अच्छा सुन, बाहर से मुझे किसी का फोन ला दे। दीदी फोन तो ताई जी ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। ठीक है तू जा। रात जल्दी से आके मुझे यहां से ले जा, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। ताई राम राम है के ला, तू दिखाई ना दे रही तुझे बैठी भाई। अरे ताई यहाँ बैठी है, सोचा कुछ? किस बारे में? अरे मेरे और अंजू के बारे में। अरे इसमें सोचने क्या बात है, जब तेरी गल ब्याह करना ही नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूंगी, मेरा दिमाग खराब है के सोचूंगी भी? मतलब लग तो ऐसी रहा मुझे, देख ले तेरी मर्जी है, कभी बाद में नाक कटाए मेरे पीछे हंड है। जिन पैरों से आया ना इन्हीं पैरों से निकल ले बाहर गेट से। ताई देख ले फिर, कभी बाद में पछताना ना पड़े। निकल निकल जा गेट से बाहर जा। कहां कहां से चले आ रहा है मुंह उठा के। आज फंसी है चिड़िया। कहां गई थी? मैं सब्जी लेने गई थी भैया। भैया मत कह मुझे, तेरे पे जो सेठानी अत्याचार कर रहे हैं ना, वो मुझसे देखे नहीं जाते। अरे तू मालकिन होकर नौकरानी की जिंदगी जी रही है। मेरी बात को सुनकर मन सुना छोड़ मेरा, छोड़ दे कमीने, मुझे मेरे घर जाने दे। अरे चली जाएगी, मैं तुझे कहा हमेशा के लिए रोक रहा हूँ। और देख मैं तेरे ऐसे फायदे की बात बता दूंगा तो जिंदगी में रेस करेगी मालकिन बनकर रहे की मालकिन बनकर। छोड़ मुझे कुत्ते, बड़ी हेल्दी हो रही है जाने की। कमीने छोड़। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए रख रहा हूँ तुझे। देख तू भी जवान है और मैं भी जवान हूँ, और वैसे भी मैं जिंदगी हर के लिए तुझे साथ रखने को तैयार हूँ। अरे मैं तेरा खसम बनने वाला हूँ, तू अरे छोड़ दे। रुक जा थामो, अगर यू बात बुढ़िया को बता देना इसने, ब्याह में अड़चन आ जाएगी। वैसे भी कहाँ जाएगी वो, ये सब बाद में देखूंगा। दादा ने काम करिए। हाँ हाँ मुझे पता की करना, जाकर तेरी मंजूदा बात करवानी है। हाँ हाँ, और ढंग से मेरी बात करा दियो, सेठानू को पता ना चलना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। और तू नौकर की ढाल लगा रहे है, है? उस बल्लू पे करवा करना। हाँ हाँ मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तू अपना काम देख। हाँ। अरे गांव आ लिया, मुझे बाहर ही छोड़ दे, कभी कोई देख ले। चल ठीक है भाई, ध्यान से जाइए। हाँ ध्यान रख। चल ठीक। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, जल्दी लगा ले झाड़ू, और खेत में को मर जा। ठेकेदार को भी देख लग रहा कुछ कर रहा है ना, यही अलझे रहे सारे। ठीक है माता जी, जा रहा हूँ। कम्मा खत मारी छील तो लेती ना, गाय भैंस समझ रखी हुई, किसानी करके धरती में राख गए। सेठानी माता राम राम। राम राम, राम। आ गए तू? हाँ जी, दो दिन ही कह गया था, दो दिन में आ लिया।
अब कैसी तबीयत है तेरे बुड्ढे की? पिताजी, पिताजी को डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी, उनका तो बिल्कुल जवानी सी छा गई। अच्छा चल तो कपड़े बदल ले। हाँ। अरे डोरों को पानी वानी पिया दे, जा कुछ काम देख ले। जो आज्ञा सिटानी माता। तू क्या मेरे सिर पे चढ़ी खड़ी रहोगे? जा परे को कुछ काम वाम कर ले। तू के लिए नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अच्छा तन्ने कुछ देखा तो ना? नहीं नहीं। चल तो मुंह फेर ले। ये लोग चाय पी लेना। मेरे लिए बनाई? ना ना बल्लू के लिए बनाई थी, ये तो मैं जबरदस्ती आपके लिए ले आई। अच्छा अगर मैं भी ना पीऊं तो? तो मैं इस खाट पर लिटा के इस चाय को जबरदस्ती भी पिला सकती हूँ। अच्छा अच्छा एक बात कहूं, तू हंसती बड़ी अच्छी लगे, ऐसी हंसती रह कर। चाय पी ली। जनते उस सेठानी का घमंड चूर चूर करना किसी भी तरीके से। भाई जुगाड़ तो मैं बता दूंगा पर दावत लगेगी। अरे दावत चाहे तू दो बार ले लिए, जुगाड़ बता। तो सुन, जब लड़के वाले आएंगे लड़की को देखन गांव में, बाहर पकड़ ले सालों को और उन्हें कह दे लड़की की तो हिली हुई है, चाल चलन बहुत खराब है, और जब रिश्ता होने का ही नहीं तेरे तो ना कहेंगे फिर। बात तो ठीक है, चल ये तरीका भी देखता हूँ। देखना देख ले और गम उड़ाने का हमें बता दिए। कहो तो अभी उड़ा दूं। भाभी राम राम। आओ जी आओ। होया है ना? हाँ घर होया। और क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। घर सब बढ़िया? हाँ तू बता के हाल चाल चल रहा है। हम तो ठीक है, पर यार मंजू ठीक नहीं। क्यों हुआ मंजू में? वो उस दिन तुम मिले थे ना उनसे कॉफी शॉप में, तो गांव के किसी लड़के ने तुम दोनों को वहां देख लिया था। तो उसकी माँ से किसी ने बता दिया और उसकी माँ ने फोन छीन लिया, उसे कमरे बंद कर दिया। तभी तो मैं कहूँ ना तो उसका कोई फोन आ रहा ना मैसेज आ रहा। अरे भाभी कुछ तो कर। नहीं ताई जब उसे किसी से न मिलने देती। अरे भाभी मैं तो उसके बगैर जी ना पाऊँ, मर जाऊंगा। अरे तुम दिल छोटा ना कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कहीं जा रही दिखो सिटानी माता? अरे जाऊं तो जब जाए पंडित का बच्चा आके मरे। मुझे लगा है माता जी अंजू मैडम के लिए रिश्ते दिखने जा रही दिखो। अरे जा तो रही, यू पंडित तो आवे पहले। यू पंडित भी कभी ना मरे, नाम ले तू ही आ गया ना। राम जी झूठ ना बोलेगा सिटानी जी, साइकिल में पिंचर होगा भाग का हूं। तो उस जहाज में नया पहिया गिरवा लेना ब्राह्मण। जहाज में पहिया भी गिर जाएगा सिटानी जी, कृपा होगी जब। अब चल लेट हो रहे हैं। हां चलो चलो। गुगु बेटा इन सब में तू समझदार है, मंजू के कमरे में कोई जावे ना सिर्फ तू जाएगा, वो भी खाना देने के लिए, और गेट के अंदर कोई आवे ना इस बात का ध्यान रखे मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है माता, कर लो काम। अरे रमले काम रिया भर लावे ना ओका। तभी करी थी गरम अक्षेड़ी टेक लिया। हाँ चेक करो। हाँ ठीक है। अरे मालिक राजगगन से ब्याह के मामले में बात हुई के? हाँ करी तो थी पर क्या
भाई उन दोनों तो छोरी पहले ही देख रखी। सेटिंग? इसका मतलब लव मैरिज? सेटिंग क्यों हो? अरे सेटिंग वो है जो आजकल छोरी छोरा सा बात कर रहा है उसे सेटिंग बोले हैं। तारू जुत्ती सेटिंग बता रहा? अजी इसमें मेरी की गलती है, यो तो आजकल की भाषा है। तेरी गलती पूछ रहा मैं। टल जा मेरी अंकिया कहते पहले तेरी सेटिंग बिगाड़नी पड़ती दिखे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपका आने में? ना जी कोई दिक्कत ना हुई। लो जी चाय लो। हाँ जी जरूर लो सेठानी जी चाय पियो। आप भी लो। ओ चौधरी साहब लड़का तो आपका सरकारी नौकर है ना? हाँ जी सरकारी है। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, हमारे बड़े हमारी खातर बहुत जमीन जायदाद छोड़ गए। हमारी तो इच्छा नहीं थी कि हमारा लड़का नौकरी करा, लेकिन वो पढ़ लिख लिया और उसके मामा की सेटिंग थी, उसके मामा ने लगवा दिया उसे। अजी खेती का काम में बहुत मेहनत है, अच्छा हुआ नौकरी लग गई। नौकरी वाले आदमी आराम से रहे पंखे कूलर की हवा में। हाँ जी पंखे कूलर की हवा में, खेती वाले तो मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं। हाँ जी हाँ जी, नौकरी वाले तो पंखे में सोए हैं और किसान को तो धूप बारिश में भी काम करना पड़े। सही कह रहे जी आप लोग। चाय नाश्ता तो ले लो कुछ। लो। हाँ जी हाँ ले आप भी ले। एक बात तो बताओ सेठानी जी। हाँ जी। जमीन तो सारी आपकी, आपके नाम ही आगे होगी जी। हाँ 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 जी हाँ मेरे नाम ही जमीन तो। चौधरी साहब आपकी कोई मांग तांग तो ना, कोई डिमांड हो तो बता दियो। देखो जी मांग तांग तो हमारी कुछ नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, आप देख लो। बस एक इच्छा है हमारी तो, हमारे मेहमानों का स्वागत बढ़िया तो हो जा, हमारी समाज में इज्जत बनी रहे। चौधरी साहब टेंशन न लो, एक लंबर का सामान दूंगे, बढ़िया ब्याह करूंगे। चौधरी साहब आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत ना, राम झूठ ना बोलवा। चौधरी साहब हमें तो रिश्ता हर तरह से मंजूर है। मेरी एक इच्छा हो रही सेठानी जी। हाँ बताओ। बता दूं? आप अपनी आधी जमीन अपनी बेटी मंजू के नाम कर दो, भले चाहे खेती आप करते रहो उस पर, तो हमारा रिश्ता मंजूर है। ठीक है जी, वकील को बुला के मैं पेपर तैयार करवाती हूँ, लड़की देखना आ जाना आप किसी दिन। भाई साहब सोमवार का टाइम रख ले। हाँ जी ठीक है। भाई की भी छुट्टी करवा लेंगे। चलो ठीक है जी, सोमवार में आ जाते हैं हम। ठीक है, वैसे तो लड़का मुझे फोटो भी पसंद है, पर लड़के को साथ ले आओगे तो और अच्छा रहेगा, लड़की लड़का एक दूसरे को देख भी लेंगे और रिश्ता पक्का कर लेंगे। जी लड़का तो आपको आज ही मिल जाता, वो नौकरी के काम से उसे जाना पड़ गया अचानक, पर कोई बात नहीं, जब हम आवेंगे ना तो हम लड़की को लेकर आओगे। और आपने कुछ खाया तो है ही नहीं। खा ले चौधरी साहब, चाय पी ली, नमकीन बिस्कुट खा लिया, अब हम आज्ञा दो चलने की, अब हम चले। बस देखो जी आपका घर है, हम तो आज्ञा दे नहीं सकते आप। ठीक है ठीक, राम राम। राम राम। लो खाना खा लो। और हाँ किसी राज का फोन आया। क्या मेरे राज का फोन है? तुम जाओ, जब मैं बात कर लूंगी तो तुम्हें आवाज लगा दूंगी, तुम अपना फोन ले जाना। ठीक है जी। राज, माँ मेरी शादी के लिए बात करने के लिए गई है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तुम कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ से आके ले जाओ। तुम रो मत प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, मैं घर बात करके जल्दी पिताजी को लेकर आऊंगा। ठीक है। राम झूठ ना बुलवावे सेठानी जी, अंजू के 21 साल पूरे होने में 3 महीने बाकी हैं। यही तो दिक्कत हो रही है पंडित जी, जब तक अंजू 21 की नहीं होएगी इसके नाम जमीन नहीं आएगी, और इसके नाम जमीन नहीं आएगी तो मेरे नाम पे कहाँ से चढ़ेगी। हाँ राम सिंह की वसीयत के मुताबिक पहली मालकिन अंजू को ही बना जा सकता है, यही समस्या। बुलाया है वकील को इस समस्या को हल करने को। अरे वकील पता ना कहाँ रह गया। आ गया वकील। हाँ अरे आ गया भाई, आ गया आ गया। सेठानी जी राम राम। राम राम जी। राम राम, राम। बैठो। बैठ गए जी। और बताओ सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। गुगु
ओ कुकू, पानी लिए दो तीन गिलास में। और बताओ वकील साहब, हमारी समस्या का कुछ हल हुआ है ना? देखो जी, ऐस पियो पानी। वकील साहब, गुगु चाय नमकीन भी लिया? वो अंजू ला रही है। जाते तू भैंसों को पानी पिया ले। फिर ठीक है जी। और वकील साहब क्या कहना चाह रहे थे आप बताओ। देखो जी, लीगल तरीके से तो जमीन तुम्हें मिल नहीं रही, पर एक तरीका है। कौन सा? तुम अगर अंजू को मरी दिखा दो तो। हैं? जमीन के ऊपर मारना पड़ेगा? नहीं, मारना नहीं है। अगर तुमने मार दी तो उल्टे और केस हो जाएगा, तुम्हारे बंदे को जमीन मिले, जेल और चले जाओगे। फिर क्या तरीका? तरीका ये है भाई, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये कहाँ बनेगा? ये और पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और कुछ तो पैसे पुलिस को देने पड़ेंगे, और कुछ मुझे देने पड़ेगा। कोर्ट कचहरी को मैं संभाल लूं, मैं अपने आप बनवा दूंगा। हेलो। हेलो। अरे सिटानी ने आज वकील बुला रखा था, मुझे लग रहा कुछ जमीन का लफड़ा। मैंने कान से तो लगाए थे, पर बुढ़िया ने कुछ सुनने नहीं दिया। उसका ध्यान रखिए। पैसे की टेंशन मत लो तुम वकील साहब, जितने लगेंगे मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। और रही पुलिस वाले इनकी बात, वे मेरे जानकार हैं। तो बस नो समझो, एक महीने में जमीन थाना में करवा दूं। ठीक है वकील साहब, करवाओ तुम इस काम को। ठीक है जी, हो गया। वकील मोटा साहब बड़ी बड़ी मूछ ले रहा है, स्कूटी ले रहा है, तू काम तो भारी पकड़ लिए उसे। ठीक है तो सिद्धानी जी, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहे हैं उनको तैयार कर लेना, मैं कल आपको फोन करूंगा फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में। ठीक है वकील साहब। अच्छा जी ठीक है, बस आप हमें भी इजाजत दो। तो वकील साहब खाना वाना खा के जाइए ना। मैं खाना फिर खाऊंगा जी, किसी दिन का भी फिर खा। हो जाएगा काम पंडित जी? हाँ जी हाँ जी। बड़ी टेंशन सी हो रही है मुझे तो इस बात की। हाँ भाई, क्या बात? कहाँ से आ रहा? कहाँ से आ रहा? कचहरी से आ रहा, अपने दफ्तर से आ रहा हूँ। तुझे क्या काम है? काम भी बताऊंगा, न्यू बता तू कहाँ से आ रहा है। तुझे क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी और मेरी पिस्टल को भी, बहुत जल्दी कहाँ से आया है? मैं सिटानी के घर से आया। क्यों? सिटानी ने बुलवाया था, कुछ काम था उसे। अरे वही तो काम जानना है कि क्या काम था। वो जमीन नाम करवानी थी उसे अपने। किसके नाम है अब जमीन? अब राम सिंह के नाम है, राम सिंह। और राम सिंह के बाद में उसकी जो लड़की है अंजू, उसके नाम हो जाएगी जब वो 21 साल की हो जाएगी, तो उसे करवाना था अपने। मंजू की जमीन सेठानी अपने नाम कराना चाह रही है? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मैं उन्हें कुछ जुगाड़ बता के आया। जुगाड़? क्या जुगाड़? कुछ 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 नहीं, कुछ नहीं। बता रहा है कर दू छाती में छेद। वो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाएगा हो सके जी? कमीने, लोगों को उल्टे सीधे काम बता रहा है। अजी चार पैसे के लिए करना पड़ता है। जान निकल ले, और सेठानी से ये मत बता देना किसी ने तेरे से कुछ पूछा, ना तो तेरे भेजे में गोली चढ़ा दूंगा। निकल ले। निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। निकल ले जा। मतलब सेठानी तो नाम की सेठानी है, असली मालिक तो अंजू है। जा खेत पे चला जा, वरना ताई जी गुस्सा करेंगी। ठीक है जा रहा हूँ।
ला दिखा, मैं लगा दूंगा। ना ना मैं लगा लूंगी। अरे दे ना। ना। छोड़, हट जा। कैसा काम ना करने देवे? मैंने कौन सा हाथ पकड़ रखे? हाँ हाथ और पकड़ ले, फिर तो होगा लिया काम। ये हाथ भी पकड़ लूंगी तो क्या हो गया, ये हाथ भी तो मेरे ही है। अच्छा हाँ। हेलो हेलो। हाँ राज, बस तू अंजू का ध्यान रखिए। तू चिंता मत करे, मैं जब तक इस घर में हूं ना, मंजू और अंजू कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, यह बात पिताजी को जरूर बता दी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। कौन हो तुम? मैं गुगू हूँ। मजाक नहीं, सच बताओ। मेरा नाम गगन है। हार मांगने वालों के पास भी कोई काम नहीं है। खाके ऊपरी खरीद गया उसका। तू अंदर कहाँ जा रहा है? सेठानी से मिलने जा रहा है। सेठानी से मिलने? पैसे मांगने आया होगा। मैं जा चले जा, सेठानी का मूड खराब है। फिर कभी आई है? उधार मैं तेरी रकम मांगना है, मैं रिश्ता मांगना है। रिश्ता? चल पर लेट्स गो। मुझे लगा मेरे रिश्ते के लिए आया दिखे। चलना उधर के देख रहा है क्या? शायद जी के तो मालकिन कौन है भाई? तू बाद में आई हो, अभी मेरा मूड ठीक ना। कौन हूं मैं? शायद पिछाना नहीं। मैं चौधरी राम सिंह का बड़कपन का दोस्त हूँ। या तो उसके आगे गया था या फिर आ जाएगा। अच्छा बैठो फिर। बताओ क्या काम है? राम सिंह के मेरे पर बहुत एहसान है। जो कर तीस घर में नौकर थी ना, मेरा बाप भी नौकर था। राम सिंह के बाप ने मुझे पढ़ाया, उनके बाद राम सिंह ने मेरे पे इतने एहसान करे मैं भूल नहीं सकता। आज मैं भी एक जमींदार हूँ। तो के राम सिंह ने तो मेरे पे ये वादा भी करा था कि हम अपने बालकों की शादी आपस में करेंगे। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे घर से रिश्ता जोड़ेगा? अपनी औकात मत भूल, तू एक नौकर था नौकर। 10-20 बीघे जमीन क्या होगी? तू अपने आप को जमींदार बना बैठा, हमारी हैसियत से जोड़ रहा है अपनी हैसियत। मैं हैसियत लेकर नहीं आया, मैं राम सिंह के करे वादों को लेकर आया हूँ। वादा उससे करा था ना, तो जा शादी की बात भी उसी से कर ले। खड़ा है ऐसे, मेरा वैसे दिमाग खराब है। दिमाग ठंडा रख, ठंडा। हैसियत की बात तो मेरे से ना करे, मुझे सब पता तेरी हैसियत का। राम सिंह ने तुझे सारा दे दिया, तू मालकिन बन गया की दर दर की ठोकर खाती घूमती। पल्लू ले जा से मेरी आंखों का गसा। अब कर दे गेट से बाहर। चलता हूँ, खाली तने रिश्ते का लड्डू बहुत। सिठानी, राम सिंह जो वादा करके गया तो हम पूरा करेंगे। अरे चल बे, तेरे जैसे जान कितने फिर हैं वादे पूरे करने वाले। जा रहा ना परे को शिकल को लेकर। पिताजी राम राम। होरी राम राम। तो के बात होगी, कैसे परेशान हो? आजा बैठ जा, बता दी माँ। के बात होगी? राज कहाँ? रात तो कॉलेज गया, तुम कैसे परेशान हो नू बताओ। इतना भला आदमी था राम सिंह, पर घर का बिल्कुल नाश हो गया। नाश हो गया कैसे? भाई उसकी बहू का था कैंसर, रोटी रोटी फोन खतरे एक नौकरानी से रख ली थी, उसका मरदबू से छोड़ छाड़ के चल गया था। एक छोरी थी उसकी घर में, सोचा राम सिंह की बहू ने अब वह तुम्हारी बापू बेटी की रोटी रोटी मिल जाएगी, इसकी छोरी पड़ जाएगी। वह रख ली रोटी पोन खतर, रोटी पोन खतर की रख ली उसने, उसका ब्याह सही करवा देने को मेरे तक पीछे इसके माँ याद लेने की तुम्हें रोटी मिल जाएगी।
उनने तो बिल्कुल ही सारा उलट फेर कर दिया, राम सिंह को जहर दुआ दिया। अच्छा हाँ, तो ऐसी लोग आएगी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट तो जीव करे जिन कोई सबूत हाथ में हो, वो कुछ कर कर दे। अरीब उस छोरी का वो हाल उसने करा क्या, सरे रंगे पे पलोथी मार के बैठी। पर पिताजी यह बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? बता नहीं रहा हूँ, मेरे कड़े टाइम ने मेरे पे कई एहसान करे। राम सिंह ने तो मुझे नू भी कह रखा था, अब ये छोरी का ब्याह में तेरे छोरे की कह रखा, पर इस नौकरानी ने आके सब पलटा दे दिया। पिताजी तुम हमारे सत्या करो फिर, और हमें तुमने बताई भी ना। बताया तो मैं नू नहीं था भाई, बड़ा आदमी है, पैसे वाला, कहीं बार भीतर चला गया। पर आज दिन मैं गांव में गया, गांव में जो कहानी सुनाई सुनी नहीं गई मेरे पे, घर जाके देखा चोरी का बुरा हाल। मुझे इस बात का डर है कुछ ऊंच नीच ना चोरी गई है। मैं नू चाहूं ये दोनों इस घर की बहू बने। पर दोनों को पिताजी, वह तो नौकरानी की छोरी है, मैंने तो गलत कर रखा है। राम सिंह तो अपनी मानता था। तुम चिंता मत करो पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तू कहाँ चला? हेलो, हाँ राज कहाँ है? और पिताजी ने मुझे बताया कि सेठानी माता ने आपके पिताजी को जहर खिलवाकर मरवा दिया। जमीन जायदाद के लालच में कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ। हाय कर दे से उजाला तू देरी रात में, कसुती सर चमक तेरे इस गोरे गात में। थोड़ी अड़वे अड़वे चाल परी क्यों ओरी भागण जो, हायरा तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ला नागण जो, हायरा तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ला नागण जो। फिका तेरे आगे रे चमके माथे पे टीका जो गणा कसुता लागे रे, अंबर आला चांद भी पड़ जा फिका तेरे आगे रे चमके माथे पे टीका जो गणा कसुता लागे रे। ओ नकसी ला रखी सरे तन गाम में फागण जू, हायर तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ला नागण जू, हायर तेरे फेस पे झुल्ला नागण जू। रदो गढ़ सिर पे दररी से है प्यारी से मुस्कान तेरी, मोटे नैनो नशीले से ये काट के ले गए जान मेरी। रदो गढ़ सिर पे दररी से है प्यारी से मुस्कान तेरी, मोटे तेरा एक एक अंग नशीला से शीशे में रखण जो, हायर तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ला नागण जो, हायर तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ला नागण जो। की बात परी कति सारी सच्ची लागे से, इसी देखी ना कदे हुर मने तू सब ते अच्छी लागे से। कृष्ण दायमा की बात परी कति सारी सच्ची लागे से, देखी ना कदे हुरी सी तू सब ते अच्छी लागे से। तस्वीर
तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ले ना कर जू हायर तेरे काले काले केस फेस पे झुल्ले ना कर जू पिताजी नमस्ते नमस्ते और बराज तेरा क्यों करना हुआ पिताजी जो जमीन राम सिंह के नाम है वो वसीयत के मुताबिक अंजू के नाम हो सके है पर 21 साल उम्र होने पर सेठानी ने वकील से मिलकर अंजू के मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए वो जमीन अपने नाम करना चाह रही है पर ये इस काम को क्यों कर रही है पिताजी जो मंजू की शादी तय हुई है ना तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि पहले मंजू के नाम आधी जमीन करो जब हम शादी करेंगे अच्छा पिताजी मुझे तो यूं डर लग रहा अंजू की गैल वे कुछ गलत ना कर दें तूने बताया बात तो गगन को बता दी हाँ बताई मैंने भाई को बस तो तू टेंशन ना ले वो सारा काम अपने आप कर लेगा ठीक है पिताजी तुम यहाँ सेठानी माता गई है पंडित जी गैल दरोगा से मिलने अच्छा हमें मंजू दीदी को सारी बात बता देनी चाहिए पर हम उसे ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ ठीक है चलो ठीक है मेरे राज का फोन आया क्या जी राज जी का फोन तो नहीं आया लेकिन सेठानी माता के मुंह से जो हमने सुना आपको बताना बहुत जरूरी है हम नहीं चाहते कि आप और राज जी एक दूसरे से दूर हो जाएं। क्या सुना तुमने सेठानी माता ने जहाँ आपका रिश्ता तय किया है उन लोगों की मांग है कि आधी जमीन आपके नाम हो अच्छा तो कब आ रहे हैं वो दहेज की लालची मुझे देखने के लिए वो लोग कल आ रहे हैं दीदी लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि आपकी शादी वहाँ हो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपकी शादी राज भैया से हो क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो तुम बस एक बार मेरी बात राज से करवा दो अरे मेरी लाडो आजा आया ले मेरी शकल पे कुछ लिखा ना है यहाँ पे देख के खा ले एक तो वैसे पूरा दिमाग खराब हो रखा है मेरा खा लेना अब अरे बल्लू भाई उरा बोल यार एक काम कर दे हाँ बोल ना तू थामो के धर जाइए हाँ अरनू कहिए बस इतनी सी बात हीरो तो मैं अभी करके आया ठीक कहाँ पे आओ वहीं पे आओगे जा ठीक और चौधरी साहब गौरव की मम्मी को ना लाए बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही जी कैसे दवाई दिवाई हमारे चौधरन को है ना हाँ जी बिल्कुल दवाई दवाई तो जी राम जी झूठ ना बुलवाओ सेठानी जी मंजू को तो बुलवाओ हाँ बुलवाऊंगी गुगु बेटा मंजू को लिया ठीक है लिया बेटा रख दे चाय हाँ भाई क्या चल रहा है सेठाने तूने मंजू के ब्याह का वादा मुझसे करा था और फेरे फेरने की कहीं और तैयारी कर रही है ये ना हूं मैं किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी मंजू को मुझसे छीन ले इसके फेरे मुझसे फिरेंगे समझ गए ना भाई साहब बात सुन ले मुझे कुछ नहीं सुनना बड़ी चालबाज बुढ़िया है तू तो बड़ी नीच पाई भाई साहब रुको मेरी बात सुनो एक मिनट क्या सुनूं मैं देख रहा हूं ना बात कर रहा हूं ना अरे भैया इधर अरे भाई साहब बात तो सुनो अरे क्या सुनूं यू लोनिया शहर वाले से लग रही थी मैं फिर भी इससे ब्याह करने को तैयार था और इसकी आंखों पर पर्दे गिर गए थे है? अच्छा सेठानी जी राम राम अजी चौधरी साहब तुम बैठो तो सही बैठ कर बातचीत करेंगे नहीं जी फिर कभी आ जाएंगे हम अजी तुम इसकी बात तो पर मत जाओ ये तो शराबी आदमी है एक लंबर का फरोड है पिताजी माँ की दवाई का टाइम हो रहा चलो क्या चौधरी साहब रुको तो सही चौधरी साहब रुको तो सही अरे चौधरी साहब रुक जाओ राम ढूंढ रहा बुलवा ऐसे बेवड़े तो हर गांव में हो नाश करवा दिया सुतरे ने हर गांव में हो ऐसे भाई साहब सुनो सही हाँ भाई पंडित तू तो सेठानी से भी ज्यादा नीच पाया जब मैंने तुझसे कह दी थी कि मैं तुझे मोटरसाइकिल दूंगा अब मोटरसाइकिल में तेल भी डलवाऊंगा अब फिर भी तुम कहा तो बिक गया
अरे यार तुम तो दोनों बहुत घटिया आदमी हो। कान खोल कर सुन ले मम्मी। काहे की मम्मी? मम्मी कहते कहते मेरी जवान सूख गई। सुन बढ़िया, मंजू मेरी है, मेरी। मेरे अलावा किसी ने इसकी तरफ को आंख भर के भी देखा ना, आंखें नोच लू आंखें। और सुन, मंजू का ब्याह मुझसे होगा, कहीं और हो ना दू मैं। और पंडित तू भी सुन लिए, तुझे पता पंडताई से पहले बहुत बड़ा बदमाश भी था। फाड़ दूंगा, चाप जाऊंगा कच्चे कोई। मैंने बहुत सारे बदमाश फाड़े हैं। बिल्कुल शर्म ना रही। अरे भाई साहब, थारी बात मान तो गए, चले तो गए वे। ठीक है, आगे के लिए समझा दिए। अरे भाई साहब, मैं समझा दूंगा। क्या कर रही हो? हाँ, मैं रोटियां बना रही हूँ दीदी। तुम आज मुझे भी रोटी बनाना सिखाओ ना। अरे नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। प्लीज ना, प्लीज सिखाओ मुझे। अरे नहीं दीदी, मेरे होते हुए आप रोटियां बनाओगी क्या? और तुम ना मुझे दीदी मत बोला करो, तुम मुझसे बड़ी हो, मेरा नाम लिया करो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? अच्छा आप सिखाओ, आपको धुआं लगेगा। अरे मुझे सीखना है, चलो बताओ। अच्छा ठीक है, ये पहले यहाँ से लोई बनाते हैं लेके। ओके, और फिर उसके बाद। ठीक है, ऐसे ये पकड़ो, ऐसे ना। हाँ, अब इसको ऐसे ऐसे गोल करो। देखो ओ देखो ऐसे। एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे बेल के ऐसे डाल देते हैं। ये तो कितना आसान है। हाँ, मैं भी कर लूंगी। हाँ ठीक है, ये लो, मैं बनाती हूँ। ये लो। बन गई। आप रहने दो भाई साहब। भाई साहब मेरी बात सुन, मुझे बदला चाहिए और हर हाल में चाहिए, जायदाद के साथ चाहिए। भाई साहब ऐसी बात सुनाऊंगा जी राजी हो जाएगा बिल्कुल। सुना देना फिर, बहुत दिन हो गए राजी हुए। भाई साहब, भाई साहब। अरे कुछ आगे भी बोलेगा भाई साहब करता रहेगा। तुम्हें पता है जमीन किसके नाम है? हाँ पता है, सिटानी के नाम है। ना ना, तो यह जमीन सिटानी के नाम है और न यह जमीन मंजू के नाम है। फिर किसके नाम है? राम सिंह के नाम है। क्या? और वो सिर्फ अंजू के नाम आ सकती है, बसरते कि अंजू जब 21 साल की हो जाएगी।
अभी तक 21 साल की ना हुई वो ना। और हाँ, सिठानी ने मुझे अपने घर पर बुलवा था अंजू की जमीन अपने मंजू के नाम करवाने के लिए। तो एक काम कर, ये कागज मेरे नाम करा, जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। ठीक है भाई, हम तो चार पैसे के लिए काम करे, उसके नाम करवा लो चाहे थारे नाम करवा लो, थारे नाम करवा दूंगा। अरे यार, अभी चार पैसों के चक्कर में पड़ा, तेरा मुंह भर दूंगा मैं, बस तू यू काम करा दे। ठीक है भाई, हो जाएगा काम। पैक लगा, अभी तो है, अभी तो बस। लेकिन अंजू का अंगूठा और हस्ताक्षर करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अंगूठा और हस्ताक्षर एक साथ? वकील, तुझे नशा हो गया, सही सही बता, हस्ताक्षर कराने या अंगूठा लगवाना? दोनों लगवाना, दोनों करवाने हो भाई, इसमें दोनों लगे। असली वकील हूँ मैं, डिग्री ले रखी है मैंने, नकली ना हूँ मैं। तो तू अब चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जैसे ये कागज तैयार होंगे उसके बाद ये जायदाद भी मेरी अंजू भी मेरी, और सेठानी से तो मैं पोचा लगवाऊंगा। पंडित जी चले लड़का देखना। हाँ जी चलो, राम जी झूठ ना बुलावा, चलो। बल्लू। हाँ माता। गुग्गू और वो कहाँ गई अंजू? वो तो सवेरी सवेरी खेत पे चले गए थे। ठीक है, मंजू का और इस घर का ध्यान रखना तुझे। ठीक। घर के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी आके। ठीक है माता जी, चलो जी। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बड़ी अच्छी लग रही थी तो, सच में? सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। आज मुझे ये कपड़े मंजू दीदी ने दिए हैं। अच्छा जी। हाँ। खेत पे नहीं चलना? हाँ चलना ना, मैं सोचा इस काम को भी निपटा लूँ, यू भी होगा। चल चलो। चल सारा काम खत्म हो गया, सेठानी भी घर पे ना है, अब तो मेरा ही राज। थामू, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे? सेठानी घर पे नहीं है। सेठानी का चार करेंगे हम, थामू भाई का सौदा कहाँ है? नहीं, तुम में से अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर जाना सख्त मना है। ज्यादा बोलना लिखे। मेरा नाम पता है क्या? बल्लू बलवान सिंह। ये देख साले, तेरी कोरा दिखे। क्या नाम तेरा? घर में कोई नहीं मंजू दीदी के अलावा। भाई हमें तो अंजू लेनी थी। अरे कोई बात नहीं, अंजू हो मंजू हो बात एक ही है, जब हम मंजू को उठा लेंगे ना तो सेठानी अंजू और कागज दोनों लेकर अड्डे पे पहुंचेगी। ससुराल मारने की मनाही है क्या? सेठानी कह दिए अंजूर कागजू लेकर आ जा, समझ गया? अरे यार काम कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ,
यहाँ तुम मेरे लिए आए, काम करने के लिए आए? यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया। तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम वापस चले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। तुम हमें ना हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती आया करो, बहुत अच्छी लगती। कैसे बत्तक कैसे मुंह बनाए बैठा तू? काम धाम ना कुछ? ताई जी, वो मंजू, मंजू दीदी को क्या हो गया? मंजू क्या? मंजू दीदी को थामो और उसके साथी उठा के ले गए। तुमने कुछ ना कही उन्हें? मैं क्या कहता ताई, उन्होंने तो मेरे को भी मारा। मैंने तो खूब कोशिश करी उनको रोकने की, और साथ में वो ये भी कह के गए कि अंजू दीदी को साथ में लेके आओ, कोई कागज वागज का काम सब बता रहे थे। यू थामू मरेगा मेरे हाथ तो से? अच्छा, इसने जन्म दुखी कर दिया, आज इसे नाक काट के इसके टुकड़े कर दूं ना, तो मेरा नाम भी सेठानी नहीं। बल्लू तू खेत पे जा, गुगु को और अंजू को बुला के ला, वो पुराने वाले खंडर पे जल्दी जा। पंडित जी चलो हम चलते हैं खंडर पे। सेठानी राम झूठ ना बुलाओ, मेरा वहाँ क्या काम? तेरे घर का मैटर अपने आप सुलट लो। मान लिया मैं मर गया तो मेरी पंडितानी कौन रखेगा, और फिर पत्रा कौन देखेगा? राम जी झूठ ना बुलवावे, मैं तो चलूं जी। वैसे तो तू छत्तीस चक्कर काटते है यहाँ, मेरा बुरा टाइम आया तो तू मेरी गैल नहीं चल रहा। अजी राम जी झूठ ना बुलवाए, मुझे कई जोड़ियां बनवानी है अभी, कई हो गए मेरे पे एडवांस आ रहे हैं, मैं तो चलूं जी, मुझे तो जीना। पत्र देखो जी, सुन ले पंडित जी, अब तू यहां आ गया ना, तेरी टांग में दंदा तोड़ी तो नु कह दिया। अच्छा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में तो खाना कुछ मिल जाओ, सब पसंद है। अच्छा आप तो बातों में लगे रहे, कुछ भी काम ना हुआ देख ना, मैं कटा रहा हूं। सीतानी माता बहुत गुस्सा करेंगे। क्या बात हो गई? गुगु भैया, वो मंचू दीदी है ना, उसको थाम अपने ट्यूब उठा के ले गया, और उसके साथ साथ सेठानी माता आई, उनके साथ ना पंडित जी भी आए थे, और उसके साथ उसके दो गुंडे भी आए थे, एक तो लंबे बाल वाला और एक लंबा सा था, और वो तो ये कह रही थी कि जाके ना उसको बुला ला गुगु को, वो उसी के अड्डे पे गई है भैया। तू एक काम कर, तू घर जा, अब जाकर बात पिताजी को बताइए बस। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। घर जा मना करती ना, तेरे मेरे विश्वास नहीं है। वो चाहे कैसी भी है लेकिन है तो मेरी बहन ही, और था को मैं ही चाहिए ना, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें छुड़ा के लाऊंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अंजू तुझे मेरे ऊपर विश्वास है? नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चल, तू घर जा बस, तू जल्दी चलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी माँ को पता चल गया ना तो तुझे बताएंगी अच्छे से। मैं तो चाहता हूँ तेरी माँ है और तेरे जायदाद के कागजों पर साइन कर दे। सुन, मुझे अंजू भी चाहिए। तू फिर हो रही है बावली, तो जब भी मैं अपने साथ रखूँ बांध भाई। लोना वो कहाँ रह गया? लो भाई कागज ले आया वकील से। कागज तो ठीक है, पर थारी बुढ़िया कहाँ रहेगी? बहुत प्यार करती थी ना बुढ़िया तुझसे, देख ले अभी आई नहीं। कोई नहीं, कहाँ जाएगी? इसे भी एक पैक बना के देते, थक गया होगा। गिलास ला। कहाँ रहेगी बुढ़िया, वो तो बहुत प्यार करती तुझे। थामो, छोड़ दे मेरी बेटी को, अपनी औकात भूल गया तू? औकात? वाह क्या बात याद आई है, बहुत दिन बाद मुझे अपनी औकात याद आई है, और औकात भी याद दिलाने भी उपड़ी आई है। अंजू कहाँ? अंजू चाहिए ना तुझे? हाँ आ रही है वो भी। तू अकेली आई है? अंजू आई नहीं और कह रही है आ रही है, कहाँ रह गई हो? अरे बेकूप, मेरा नौकर लेकर आ रहा उसे। कोई बात नहीं, अब इसे छोड़ दो, छोड़ दो। बाहर बुढ़िया को चल। मैंने कहा सुधर जा तू। अच्छा चल जा, मान जा। मैंने कहा छोड़ दे भैया, तू जा मैं छोड़ दूं, देख हट जा वाला ज्यादा तू बुलावे ना, हट जा। मैं तुमसे ही बुढ़िया ना बंद रही, इसकी आवाज बंद करो, मुझे नींद आ रही है, जब वो आ जाए जगा देना।
पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अंजू छोड़ दे। चुप। इतनी ठाड़ी शोर मत कर। मैं सो रहा हूँ। आजा। अरे यार इसे बांध दो ना। छोड़ दे कमीना। मैं कह रही हूँ चुप हो जा बुढ़िया। तू एक बार हाथ खोल दे, जब बताऊंगी तुझे चुप कैसे होऊंगी मैं। ए। क्या हो गया? ऐसा मत करो ना कमीने, मेरी बेटी का हाथ मत लगा। चुप हो जा। सीतानी माता, मंजू हुआ यार, कुछ तो करवाना आ रहा था। ये तो तू तू क्या लेना आया? हाँ मैं सेठानी माता, ये मेरे पिताजी हैं। और मेरे भी पिताजी हैं। सेठानी, राम सिंह के वे एहसान है हमारे ऊपर जिन्हें हम भुला नहीं सकते। उसके जाने के बाद इस छोरी पे तो जुल्म करे, वे मेरे पे देखे नहीं गए।
नहीं ये दोनों भेज दिए। उसने तो यूं वादा भी करा था और मेरी छोरी तेरे घर की बहू बने और मेरी भी यही इच्छा है और ये छोरी मेरे घर की बहू। वादा उसने करा था ना, ऊपर पहुंच और वहां करे वादा पूरा, निकल यहां से। ऐसा है वादा यही पूरा होगा, ये भी पूरा होगा। अंजू मंजू चलो घरों। नहीं मम्मी, मैं रात से प्यार करती हूँ और रात से ही शादी करूंगी। क्या कह रही है तू? सही कह रही हूँ। सेठानी तो उस भले मानस का घर उजाड़ दिया जो बुरे टाइम में तेरे काम आया, जिसने रहने को तुझे घर दिया, तू नौकरानी तो रानी बना दी, तो वही मौत के घाट तरवा दिया और उसकी छोरी को नौकरानी बना रखा था। माँ क्या ये सच कह रहे हैं? बेटी मैंने जो करा वो तेरी भलाई के लिए करा और तेरे सुख के लिए करा। पैसों से ज्यादा जरूरी एक बेटी के लिए बाप का साया होता है, अब तूने मुझसे वही छीन लिया और अंजू से तो उसके माँ बाप भी छीन लिए। देख इस छोरी में कितनी अकल है, जिसे तू अपना फायदा मान रही थी ना वो तेरा सबसे बड़ा नुकसान था। पैसे तो बढ़ाओ घर जो ते खो दिया। देख यू है परिवार और यू है गगन जो मैं अनाथ पाया, इसके संस्कार देख। तेरी छोरी की जान बचाने खातर गुंडी तो लेके जान पे खेल गई अपनी, अरे तू माँ होके भी तेन का बाप छीन लिया पता। मंजू बेटी मुझे माफ कर दे। माफी मुझसे नहीं अंजू से मांगिए। बचपन से लेके आज तक तुमने उस पे कितने अत्याचार किए। अंजू बेटा तेरे साथ हुआ है सारा जुलम, तू बता तेरी गुनाहगार है के फैसला होना चाह। मेरे लिए तो मेरी माँ यही है, बेशक से इन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया लेकिन मैंने मन ही मन हमेशा इन्हें अपनी माँ माना है और एक बेटी अपनी माँ को कभी सजा नहीं देती। तू मुझे माफ कर दे। नहीं माँ। क्या कही तूने दोबारा बोली है? माँ मेरे बच्चे। चौधरी साहब करो ब्याह की तैयारी, मैं अपनी दोनों बेटियों की धूमधाम से शादी करूंगी। ठीक है समझन जी। राम जी झूठ ना बोला, देखा कैसा हुआ मेल। तेरे इस गोरे गात में थोड़ी अड़वे अड़वे चाल परी क्यों ओरी बागड़ जो हायरा तेरे काले काले केस फेस पे जुल्ला नागन जो हायरा तेरे काले काले केस फेस पे जुल्ला नागन जो फिका तेरे आगे रे चमके माथे पे टीका जो गणा के सुता लागे रे अम्ब